नमस्कार साथियों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं जो रेलवे डी ग्रुप का एग्ज़ाम चल रहा है, उस एग्ज़ाम सेंटर का रिव्यू लेकर आए हैं। आपको बताया जाता है कि कितने प्रतिस्थिति थे, कितने नहीं थे, तो आप एग्ज़ाम सेंटर पर भीड़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने थे। वैसे हम बताएं तो आपको एग्ज़ाम सेंटर पर 60% से लेकर 70% तक प्रेजेंटेशन थे, यानी उपस्थिति थी 60 से 70% को लेकर के। अलग अलग सेंटर पर अलग अलग प्रकार की होती है, इस सेंटर पर तो 60 से 70 तक बताया जा रहा है। जो विद्यार्थियों से बात की तो पता चला कि जो प्रत्येक कक्षा में है वो 60 से 70 और कई बोल रहे थे 75% तक ही उपस्थिति थी। इस प्रकार क्या है उपस्थिति वो कम नीचे रह सकती है। अब बात कर लेते हैं पेपर के बारे में। पूछा तो पेपर के बारे में इन्होंने बताया कि पेपर है वो मीडियम साइज़ का आ रहा है, यानी मध्यम स्तर है पेपर का लेवल थोड़ा, और इसमें अच्छा स्कोर करने के लिए थोड़ा माइनस मार्किंग भी है, थोड़ा उस पर ध्यान रखना होगा। क्योंकि हम क्या एग्ज़ाम सेंटर पर एग्ज़ाम बैठे होते हैं, भर्ती 2 साल से, एग्ज़ाम 2 साल से हुए हैं, तो ये सोचते हैं कि इसमें अच्छा स्कोर करें तो थोड़ा रिस्क उठा लेते हैं। तो रिस्क उठाओ तो अपने हिसाब से उठाना, ये नहीं है कि रिस्क उठा के आपके जो सिलेक्शन हो रहा था, सेकंड राउंड लिया आपने तो सेकंड राउंड में आपका, पहले राउंड में तो सिलेक्शन हो जाता क्योंकि पहले राउंड में आप 75 क्वेश्चन के समथिंग करते हो, 70-75 क्वेश्चन करते हो, तो उससे आपका सिलेक्शन के कगार पर होते हो। फिर आप सोचते हो, आपका मन नहीं मानता है, आप सोचते हो कि थोड़ा अच्छा स्कोर करे, मेरी लिस्ट में नाम आ जाए, तो इस प्रकार आप सेकेंड राउंड लेते हो। तो सेकेंड राउंड में जब आप पहले राउंड में 70 क्वेश्चन करते हो, सेकेंड राउंड में 20 और कर देते हो, इस प्रकार टोटल 90 क्वेश्चन आप कर देते हो, तो ये 20 क्वेश्चन आपने किया, ये आपको माइनस मार्किंग से सिलेक्शन से बहुत दूर ले जाता है। तो ये भी ध्यान रखना, थोड़ा माइंड को कंट्रोल रखना और थोड़ा सेम बरतना, सेम बरत के ही अपना एग्ज़ाम वो करना। और हम आपको क्या बता सकते हैं, जैसे अब आप थोड़ा स्कोर करना चाहते हो, तो अब बोल माना कि आप जीके में स्कोर करना चाहते हो, तो अब जीके में स्कोर करना मुश्किल है क्योंकि जीके बहुत लंबा चौड़ा पड़ा है और जीके में कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, तो जीके में हम कम संभावना है जो ज़्यादा अंक लाने की। तो आप रीजनिंग और मैथ की थोड़ी प्रैक्टिस करके, मैथ की थोड़ी प्रैक्टिस करनी होगी क्योंकि मैथ के क्वेश्चन आते तो सभी को है, जो मैथ के क्वेश्चन है वो सभी को आते हैं, मगर क्या होता है हम उनको इतना टाइम नहीं मिलता है, यानी स्पीड कम होती है मैथ के क्वेश्चन करने में। तो आपको क्या करना है, थोड़ी प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है और मैथ का रिवीजन करना है बार बार, जिससे क्या हो अलग अलग प्रकार के अलग अलग टाइप के जिस प्रकार के क्वेश्चन घुमा फिरा के आए तो आप उसको स्पीड तरीके से सॉल्व कर सकते हो। तो जो व्यक्ति 15 क्वेश्चन या 14 क्वेश्चन के आसपास करता है मैथ में, तो आप अगर प्रैक्टिस करते हो तो आप इसमें 18 क्वेश्चन कर सकते हो, मतलब 3 नंबर 4 नंबर इस प्रकार आप ज़्यादा ला सकते हो। या फिर कोई 12 क्वेश्चन करता है और आप 18 क्वेश्चन करते हो, तो 6 नंबर सीधे ही मैथ में ज़्यादा आपके आ जाते हैं। तो ये मैथ का पोर्शन है, ये आपको ज़्यादा स्कोरिंग है जो स्कोर ला सकता है, और रीजनिंग का भी स्कोरिंग क्वेश्चन है क्योंकि जीके में थोड़ा लंबा पोर्शन है, इसलिए जीके में कम मार्क आने की संभावना है। फिर भी अगर आपकी जीके में पकड़ मजबूत है तो जीके में भी आप अच्छे स्कोर कर सकते हो। अब कई सोचते हैं कि एग्ज़ाम देवे या नहीं देवे, तो वो आप पर डिपेंड करना है। अब अगर आपका माइंड मानता है, अगर आपके दिमाग में कुछ है विचार एग्ज़ाम देने के प्रति, कुछ भी पॉजिटिव है, तो आप एग्ज़ाम देने के लिए ज़रूर से ज़रूर जाए। अगर आपके दिमाग में नेगेटिविटी हो तो आप एग्ज़ाम देने के लिए मत जाए, क्योंकि अभी आपके दिमाग है वो सकारात्मक भी सोच रहा है, नकारात्मक सोच रहा है, फिर आप एग्ज़ाम सेंटर में बैठे होंगे। एग्ज़ाम सेंटर जैसे आपके सामने पेपर खुलेगा तो क्या होगा, आपको क्वेश्चन 3-4 नहीं आएंगे, तो जो आपके दिमाग में जो नेगेटिविटी का बीज है वो आप बैठकर देंगे, वो बीज है वो वहाँ जाकर उग जाएगा और बड़ा पेड़ बन जाएगा, यानी नेगेटिविटी आपके दिमाग में नकारात्मकता भर जाएगी। तो इसमें मेरा मानना यही है कि जब भी आप एग्ज़ाम सेंटर में घर से जाए तो पॉजिटिव सोच कर जाए, जैसा भी होगा अच्छे तरीके से हम पेपर सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो यही मेरा कहना है, और जिसने एग्ज़ाम नहीं दिया उसको बेस्ट ऑफ लक एग्ज़ाम देने के लिए, एग्ज़ाम जरूर से जरूर देने चाहिए। हमने इस वीडियो के माध्यम से बता दिया है कि आपको किस प्रकार एग्ज़ाम में कितनी भीड़ होती है, किस प्रकार का पेपर आता है,
या पेपर देने जाए या नहीं जाए, उन सारे सवालों का हम सोल्व करवा दिया। ठीक है, कोई समस्या होती है कमेंट करके पूछ सकते हैं। जय हिंद, सेवा, धन्यवाद।